नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे नेचुरल रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, उसके टाइप्स कि नेचुरल रिसोर्स कितने तरह का होता है। ठीक है, मेनली दो तरह का नेचुरल रिसोर्स होता है, एक होता है बायोटिक नेचुरल रिसोर्स, दूसरा होता है एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स। बायोटिक नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो हमें प्रकृति में प्रकृति से मिलते हैं, जिनमें कार्बनिक तत्व होता है, जैसे हमारी लकड़ियाँ होगी, पेड़ पौधे हो गए, कोयला हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए और मनुष्य हो गया। इन जो प्रकृति में जिन जिन वस्तुओं में हमें कार्बन मिलता है वो अबायोटिक होती हैं, और जिनमें कार्बन नहीं होता वो एबायोटिक होते हैं, जैसे मेटल्स होगी, है ना, मेटल्स होगी और नॉन लिविंग चीज़ों से जो चीज़ें मिलती हैं वो एबायोटिक होगी। आज हमारा मेन फोकस रहेगा बायोटिक रिसोर्स पे। तो बायोटिक रिसोर्स जो हैं वो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेरियन रिसोर्स। वेजिटेरियन रिसोर्स वो होते हैं जो वनस्पति से हमें मिलते हैं, वनस्पति से जो हमें मिलते हैं वो होते हैं वेजिटेरियन रिसोर्स। वेजिटेरियन रिसोर्स में आज हम चर्चा करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्स पे। जो फॉरेस्ट रिसोर्स हैं वो हमें जंगलों से मिलते हैं, ठीक है, और जंगलों से फॉरेस्ट रिसोर्स मिलते हैं तो हम ज्योग्राफी के शोधार्थी और विद्यार्थी होने के, तो सबसे पहले है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक में वेजिटेशन रिसोर्स में आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिसोर्स। फॉरेस्ट रिसोर्स हम ज्योग्राफी के टीचर हैं और ज्योग्राफी के स्टूडेंट और ज्योग्राफी को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हम इन रिसोर्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स। तो इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने इसको चार भागों में बांटा है। सबसे पहला है ट्रॉपिकल हार्ड वुड फॉरेस्ट, दूसरा है मेडिटेरियन फॉरेस्ट, तीसरा है टेम्परेट ब्रॉड लीव डिसेडियस फॉरेस्ट, चौथा है टेम्परेट सॉफ्ट वुड कॉर्निफोरियस फॉरेस्ट। तो ये जो जितने भी चीज़ें हुई है ज्योग्राफिकल रीजन के हिसाब से हुई। आपको थोड़ा सा और क्लियर बता दूं, ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट की दो कैटेगरी हैं, एक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, एक मानसून रेन फॉरेस्ट है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो इक्वेटोरियल रीजन में मिलता है, और मानसून फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो मानसून जहाँ पे जाता है उन रीजन्स में मिलता है। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलता है 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में, और मानसून फॉरेस्ट मिलता है 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में। उसी तरह जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है वो मिलता है भूमध्य सागरीय एरियाज में, वो लाइज करता है 30 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ तक, और इसी तरह साउथ में भी। फिर है टेम्परेट ब्रॉड लीव डिसेडियस फॉरेस्ट, ये वो टेम्परेट रीजन में होता है, टेम्परेट रीजन जैसे 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ, दोनों जो हेमिस्फेयर हैं उनमें जो चीज़ लाई करती है वहाँ ये मिलते हैं। उससे जब आप आगे जाओगे टेम्परेट रीजन में तो सॉफ्ट वुड कॉर्नी फॉरेस्ट होता है कोणधारी वन, सॉफ्ट वुड होता है मुलायम लकड़ी वाले। अगर हम उपयोगिता के आधार पर देखा जाए तो जो सॉफ्ट वुड कॉर्निफोरियस है वो सबसे ज़्यादा कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कनाडा में लैम्बरजक लोग हैं जिनका मुख्य व्यवसाय जब सर्दियों में गर्मियों में कनाडा में जब एग्रीकल्चर होता है तो वो साउथ कनाडा में रहते हैं और एग्रीकल्चर से अपनी आजीविका करते हैं, लेकिन जब जाड़े आते हैं जब एग्रीकल्चर बंद हो जाता है तो वो नॉर्थ में चले जाते हैं अपनी लकड़ियाँ काटने का काम करने, उन्हें लैम्बरजक बोला गया है, ठीक है, और उनके काम को लैम्बरिंग कहा गया है। वो टेम्परेट सॉफ्ट वुड कॉर्निफोरियस एरिया में जाते हैं और इन फॉरेस्ट से लकड़ी काटते हैं, और ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए काफ़ी उपयोगी है क्योंकि सॉफ्ट है, इसको ट्रांसपोर्टेशन आसान है, नदियों के सहारे को लिया जाता है। फिर है टेम्परेट ब्रॉड लीव डिसेडियस फॉरेस्ट, इसमें आते हैं ओक, चीड़, चेस्टनट, वॉलनट, अखरोट के हो गए, चेस्टनट होगा, रोजवुड होगी, वो आते हैं टेम्परेट ब्रॉड लीव डिसेडियस फॉरेस्ट में। फिर
फिर है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट जो भूमध्य रेखाई इलाकों में जो वन है उनको मेडिटेरियन बोला जाता है। इसमें नारंगी, अंगूर, खट्टे फल जो है उनको सम्मिलित किया जाता है। ट्रॉपिकल हार्ड फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होते हैं, और ट्रॉपिकल जो हार्डवुड फॉरेस्ट की एक खूबी होती है, इनमें बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट में ये है, यहाँ पे 10 मील में जितने पेड़ों की वैरायटी होती है, 100 गज जमीन में इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में 100 गज एरिया में उससे कहीं ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी तरह की स्पीसीज हैं प्लांट की। उसी तरह फिर मानसून फॉरेस्ट, मानसून हम काफ़ी परिचित हैं भारत के निवासी मानसून से, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर से लेकर, हमारे कल्चर से लेकर और हमारे सभी तरह की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लाइफ को इफेक्ट करता है मानसून। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये तमाम जो देश हैं इनमें मानसून फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे किक्कर हो गया, आम हो गया, नीम हो गया, जामुन होगी, ये मानसून फॉरेस्ट के एग्जांपल हैं, ठीक है। और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो है ये उपयोगिता की दृष्टि से कम उपयोगी हैं, क्योंकि ये ऐसे ही दुर्गम इलाकों में मिलते हैं और इन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पहुँचना मुश्किल होता है। जहरीले जीव जंतु इनके अंदर बहुत होते हैं, कीट पतंगे होते हैं और अबूझ बीमारियाँ हो जाती हैं इनके अंदर जाने से। फिर मानसून फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट हमारे रीजन्स में है, जैसे हरियाणा में जो मुख्य है, जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, बेरी होगी, है ना, आम हो गया, जामुन होगी, ये सारी मानसून फॉरेस्ट में आएंगी। फिर मेडिटेरियन वाला मैंने पहले ही बता दिया आपको, मेडिटेरियन जो यूरोपीय कंट्री, यूरोप की कंट्रीज हैं, ठीक है, मेडिटेरियन सागर है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, उन जो रीजन में जो होते हैं वो होते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर अब एक छोटा सा मैप बनाऊंगा मैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और अच्छे से। देखो बच्चों, ये हमारी अर्थ है ना, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो 0 से 5 और 5 और 5 से 5, ये तो हो गया इक्वेटर यहाँ हुए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ये जो होंगे ये यहाँ पे होंगे, ठीक है। फिर है मानसून फॉरेस्ट, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो होंगे ये होंगे मानसून फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, ठीक है। फिर होगा जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट होंगे वो होंगे 30 से 40 डिग्री, ये होंगे मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ठीक है। फिर है टेम्परेट ब्रॉडली होंगे 40 से 60 डिग्री के बीच, ठीक है। टेम्परेट ब्रॉड लीफ डिसाइडियस 60 से 70 के बीच जो होंगे वो कॉर्निफोरियस होंगे, 4 नंबर वाली कैटेगरी, समझ रहे हो, ठीक है। ये 4 नंबर कैटेगरी के इधर होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है अर्थ पे, है ना, जितना हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतनी सनलाइट की अभाव होगा। तो जो यहाँ जो इन जो रीजन्स में जो पेड़ पौधे होंगे वो हार्डवुड होगी, हार्डवुड, ठीक है। और ये जो रीजन्स में होंगे यहाँ सॉफ्टवुड के प्लांट होंगे, ठीक है, सॉफ्टवुड के ट्रीज होंगे, सॉफ्टवुड के फॉरेस्ट होंगे। आपको क्लियर समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये होगी फॉरेस्ट रिसोर्स की आज हमने बात की, चर्चा परिचर्चा की। अगर आप लोगों को इसमें से टॉपिक्स में से कुछ और ज़्यादा गहराई में पूछना है तो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, वो आप देख लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी क्वेरीज जो हैं आपको आगे की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। लाइक करें और शेयर करें, और
आगे की क्वेरी के लिए आप बेल आइकन बजाएं, ताकि मैं जब न्यू अपडेट करूंगा इसको और एलिब्रेट करूंगा तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। धन्यवाद।